हाय गाइस, मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं आप लोगों के साथ ये क्रायलॉन के लिप रॉज पैलेट के बारे में। और ये एक मेटल लिप शेड का पैलेट है। इसमें बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 शेड्स हैं। और इस पैलेट का 2 टाइप आता है और इसमें जो मेरा शेड है वो है स्टैंडर्ड 1 और इसकी टोटल क्वान्टिटी है 20 ग्राम और इसका MRP है 1700 रुपीज। और इसमें आपको हर एक शेड मिल जाएगा, न्यूड सारे शेड्स हैं इसमें मेरे पास और लाइट कलर के सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। इसमें LC141 है, LC142 है, LF404 है, LF401 है, LC081 है और LC196 है। ये स्टैंडर्ड 1 के नाम से पैलेट है। एक और पैलेट आता है जिसमें डार्कर शेड्स होते हैं, उस पैलेट का नाम है स्टैंडर्ड 0। इसमें काफी हल्के हल्के कलर्स हैं, काफी न्यूड शेड न्यूट्रल शेड्स के कलर्स हैं जिससे आप परफेक्टली एक न्यूड लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये जो लिपस्टिक के शेड्स हैं वो काफी मॉइस्चराइज होते हैं, इसमें विटामिन ई है और इसे लगाने से आपके लिप्स मॉइस्चराइज होंगे, लिप्स चैप नहीं होंगे, यानी कि ये आपके लिप्स को खूबसूरती देने के साथ साथ आपके लिप्स की केयर भी करेगा, यानी कि उन्हें एक खूबसूरत सा कलर देने के साथ साथ आपके लिप्स की देखभाल भी करेगा क्योंकि इसमें विटामिन ई है जो कि आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा। और जैसा कि देख सकते हैं ये काफी खूबसूरत एक मेटल केस है जिसे कैरी करना बहुत ही इजी है, ये ट्रेवल फ्रेंडली है, आप एक साथ टोटल 6 शेड्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग लिपस्टिक्स के पैकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, आप एक इस पूरे पैलेट में एक साथ 6 शेड्स कैरी कर सकते हैं और इनके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये लिप्स कलर जो है वो अलग अलग पैलेट में आता है, ये सिंगल शेड में भी आता है, जैसे ये शेड जो है इसको आप चाहें तो यहाँ से डिटैच कर सकते हैं, ये पैलेट से बिल्कुल अलग हो जाएगा। और बाय द वे अगर ये शेड आपका खत्म हो जाता है और आप इसको फिर से रिफिल करना चाहते हैं तो इसके लिए रिफिल पैक भी आता है, उसका प्राइस होता है 300 रुपीज। और आप जो भी 1 का शेड अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसे परचेज करके यहाँ पे उसको स्टैक कर सकते हैं आराम से। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन और अलग अलग सेट में ये पैलेट आता है, जिससे सबसे पहले इसका इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता है एक सिंगल रिफिल पैक से जिसका MRP होता है 300 रुपीज। उसके बाद ये 5 के सेट से लेके 24 के सेट में आता है और इसका प्राइस रेंज वेरी करता है 1500 रुपीज से लेके 5500 रुपीज तक। आपको जिसमें से जो भी पैलेट लेना हो उसमें आपको 6 शेड का कलर, 5 कलर शेड का पैलेट मिलता है, 6 कलर शेड का पैलेट मिलता है, 12 कलर शेड का पैलेट मिलता है, 18 कलर शेड का पैलेट मिलता है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा मिरर होता है। उसके बाद 18 शेड्स का एक मिनी पैलेट भी मिलता है जिसके मतलब जो पैन होते हैं वो इन सब पैन से छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज के होते हैं जिसमें क्वांटिटी कम होती है बट आपको वेरायटी पूरी की पूरी मिल जाती है। वो 18 शेड का आपको मिनी पैलेट मिलता है इसका। उसके बाद आपको इसमें 12 शेड्स का पैलेट मिलता है, 24 शेड्स का पैलेट मिलता है और सबका प्राइस रेंज वैरी करता है 1500 से लेके 5500 रुपीज तक और सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। और ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके लिप्स पे लॉन्ग लास्टिंग भी है और काफी लंबे समय तक आपके लिप्स पे टिका रहता है और साथ ही साथ आपके लिप्स की देखभाल भी करता है। मेरे पास जो पैलेट है उसमें के शेड्स जो है वो काफी हल्के हैं तो वो तो मैं अगर स्किन पे यहाँ पे स्वैच करके भी दिखाऊंगी तो भी विजिबल नहीं होंगे, तो मैं 1-2 को अपने लिप्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, आपको पता चलेगा कि ये कितने मॉइस्चराइज है। तो चलिए देखते हैं कि इसे अपने लिप्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। ये है वो लिप रोज पैलेट और अब मैं वेगा के ब्रश की सहायता से इसमें से एक शेड सेलेक्ट करके लगाऊंगी। ये सारे जो शेड्स है वो न्यूड शेड है और मैंने ज्यादातर ये शेड्स कभी ट्राई नहीं किए हैं तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ट्राई होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ, एक ये शेड और एक ये शेड, ये थोड़ा सा डार्क शेड है और एक ये शेड है LF401। इन लिप पेन की सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिटैचेबल भी है, आप इन्हें आसानी से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर लिया है और आप इसे आसानी से रिमूव करके और इसे इसका कवर है ऊपर आराम से इसे अपने हाथों में लेके अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद मुझे अपने लिप्स काफी मॉइस्चराइज फील हो रहे हैं
और इसे लगाने के बाद, मतलब इसे लगाने से पहले मैंने अपने लिप्स पे कोई भी लिप बाम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे लिप्स बिल्कुल भी चैप्ड नहीं लग रहे हैं, काफी सही लग रहा है मेरा लिप्स पे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिप्स अप्लाई कर लिया है, लेकिन मेरी लिप्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट बस मेरे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैंने एक लिप बाम लगाया है, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का शेड है मेरी लिप्स पे और मेरे स्किन टोन के हिसाब से ये उन लोगों के टोन में बहुत अच्छा जाएगा जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर है, उनके लिए काफ़ी सही है ये। उसके बाद मैं इस पैन में से लूँगी ये लास्ट वाला सेड, LC 196 है ये, इसे भी सेम मैं पैन में से डिटैच कर लूँगी। मैंने इसे पैलेट में से डिटैच कर लिया है और अपने हाथों में ले लिया है और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे। आप देख सकते हैं मैंने इसे भी अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है, लेकिन अभी तक लिप्स ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। और इसे आप ऐसे ब्लशर भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये मैं अपने लिप्स के अलावा अपने चीक बोन्स पे भी अप्लाई करूंगी। इसे मैं अपने अपने फिंगर पे ले लिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई करके मैंने यहाँ ब्लेंड कर लिया है। ये एज ए क्रीमी ब्लशर की तरह काम कर रहा है। उसी तरह मैं दूसरे साइड भी लगा लूंगी, मैं दूसरे साइड भी अप्लाई कर लूंगी इसी तरह। और इसे मैं फिंगर की सहायता से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं इसे आप एज ए ब्लशर भी यूज कर सकते हैं। मेरा जो पैलेट है वो काफी लाइट शेड में है और ये पैलेट जो है वो काफी फेयर स्किन टोन के लिए काफी परफेक्ट है। मेरी स्किन टोन से तो इसके लिप्स के कलर ही मैच हो जा रहे हैं, तो मेरे पे ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने उसे अपने लिप्स पे अप्लाई किया लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने लिपस्टिक का शेड पहले वाला ही कर लिया, चेंज कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ विजिबल ही नहीं हो रहा था और ये काफी शेड्स न्यूट्रल हैं। तो इसे मैं अपने लिप्स पे लिपस्टिक की तरह ना यूज करके इसे मैं एज ए लिप बाम अपने लिप्स पे यूज करूंगी और एज ए ब्लशर जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने चीक्स पे, एज ए क्रीमी ब्लशर के रूप में इसे अपने मेकअप वगैरह में यूज करूंगी मैं, क्योंकि ये काफी क्रीमी है और इसका टेक्सचर काफी स्मूथ और अच्छा है। मैंने अपने चीक्स पे लगा के देखा था तो काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया था, मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इसे दो फिंगर की सहायता से ऐसे हल्का हल्का ब्लेंड किया था और ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो गया था। तो क्रीमी ब्लशर में पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय मैं इन्हीं सारे जो भी जो कलर्स हैं ये सारे मैं एज ए ब्लशर यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास इसका डार्क शेड रहता तो वो ज्यादा मेरे लिए यूजफुल रहता, बट मेरे पास अब लाइट शेड है तो इट्स ओके, नो इशू। इसे मैंने क्रायलॉन बैग सेल में परचेज किया था और उसका वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मेरा वहां का एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये था मेरा क्रायलॉन लिप रॉज पैलेट का रिव्यू। ये पैलेट काफी क्रीमी है और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है और आपके लिप्स की भी केयर करता है और साथ ही साथ आपके लिप्स को एक अट्रैक्टिव सा कलर शेड भी प्रोवाइड कराता है। इसमें लाइट शेड्स हैं लेकिन जिनमें डार्क शेड्स हैं उनकी सहायता से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंडियन टोन के लिए उतना सुटेबल नहीं है। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 0 जो है वो इंडियन टोन पे ज्यादा सूट करेगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब इसका स्टैंडर्ड 0 लेना ज्यादा बेनिफिशियल है स्टैंडर्ड 1 की जगह, बट अगर जिनको न्यूड शेड्स ज्यादा पसंद है तो वो चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।